हे गाइस, दिस इज शिवा। स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एक और नए वीडियो पार्ट 11 में। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से उन्हें आप देख लेना। तो गाइस, आज के सेंटेंसेस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस, सिंपल है। पहले सेंटेंस को दो बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको मैं 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप भी उस सेंटेंस को बोल सके। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। आई गेव यू एवरीथिंग। I gave you everything. अब आप बोलिए। मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ दे दिया। I already gave you everything. I already gave you everything. अब आप बोलिए। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो मेरे पास था। आई गेव यू एवरीथिंग आई हैड। आई गेव यू एवरीथिंग आई हैड। अब आप बोलिए। वो कहाँ गया? वेयर डिड ही गो। Where did he go? अब आप बोलिए। वो बाथरूम गया। He went to the bathroom. He went to the bathroom. अब आप बोलिए। किसने आपको बेवकूफ बनाया? Who fooled you? Who fooled you? अब आप बोलिए। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। He fooled me. He fooled me. अब आप बोलिए। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। आई डिडंट फूल एनी वन। आई डिडंट फूल एनी वन। अब आप बोलिए। वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to fool you. He is trying to fool you. अब आप बोलिए। उसने क्या कहा? What did he say? What did he say? अब आप बोलिए। उसने हाँ कहा। He said yes. He said yes. अब आप बोलिए। उसने ना कहा। He said no. He said no. अब आप बोलिए।
उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन। अब आप बोलिए। उस दिन से मैंने दिन रात पढ़ाई की। फ्रॉम दैट डे ऑन आई स्टडीड डे एंड नाइट, फ्रॉम दैट डे ऑन आई स्टडीड डे एंड नाइट। अब आप बोलिए। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। अब आप बोलिए। मैं उसका नाम भूल गया, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम। अब आप बोलिए। मैं अपना फोन लाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई फोन, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई फोन। अब आप बोलिए। तुम कैसे भूल सकते हो, हाउ कुड यू फॉरगेट, हाउ कुड यू फॉरगेट। अब आप बोलिए। तुम उसे कैसे भूल सकते हो, हाउ कुड यू फॉरगेट हिम, हाउ कुड यू फॉरगेट हिम। अब आप बोलिए। मैं हमेशा टीवी बंद करना भूल जाता हूँ, आई ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टीवी, आई ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टीवी। अब आप बोलिए। तुम हमेशा सब कुछ भूल जाते हो, You always forget everything. You always forget everything. अब आप बोलिए। भूलना मत, Don't forget. Don't forget. अब आप बोलिए। इसे मत भूलना, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट। अब आप बोलिए। अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन। अब आप बोलिए। अब से मैं कभी नहीं भूलूंगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर फॉरगेट, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर फॉरगेट। अब आप बोलिए। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर डू इट, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर डू इट। अब आप बोलिए।
तो ये थे गाइस आज के कुछ यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मैं इसके एक और पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।